वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के सीरीज में हम क्वेश्चन को लेकर ना बात करते हुए आज के सीरीज में हम जो आपका पहला पेपर होने वाला है संवैधानिक विधि का, इसके सारे यूनिटों की बात करेंगे। इसमें 6 यूनिट दी गई हैं और हम सारे यूनिटों के टॉपिक बात उसको हल करेंगे। यह कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, इसके बारे में हम आपको कुछ बातें डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जो आपका पेपर होता है इसमें 6 यूनिट दी गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल एम्फेसिस शैल बी प्लेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिट नंबर 2, यूनियन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर रिगार्डिंग इन्हेंसमेंट ऑफ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, ठीक है। थर्ड यूनिट जो आपका है यूनियन एग्जीक्यूटिव द प्रेसिडेंट ऑफ हिज पावर एंड पोजिशन इंक्लूडिंग ऑर्डियंस मेकिंग पावर। और जो चौथा आपकी यूनिट है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर रियल हेड। और पांचवी यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट टेरिटोरियल ऑफ द टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर्स डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस डॉक्ट्रिन ऑफ विथ ऑफ स्टेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन। और जो आपका छठी यूनिट है एमरजेंसी प्रोविजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू ऑफ एमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। तो ये आपके ये जो 6 यूनिट दी गई हैं इसको हम एक टुकड़े में बांट कर, मतलब एक छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर आपको इस पूरे जो है सिलेबस का आपके लिए एक नोट्स तैयार करके आपको समझाने वाले हैं। तो हम इन टुकड़ों को, इस यूनिट को एक छोटे छोटे जो है फॉर्म में जो है डिवाइड कर रहे हैं। जैसे पहली यूनिट जो हमारा है यूनिट 1, इसमें आपका जो है 3, एक मूल अधिकार यूनिट आएगा, मीन्स मूल अधिकार चैप्टर आएगा। एक जो है आपका जो है नीति निर्देशांक तत्व और एक जो आपका है प्रस्तावना। ये 3 पार्ट आपके जो है यूनिट 1 से मैच करते हैं, मीन्स यूनिट 1 से हैं। और यूनिट 2 में जो आपका है वह यूनिट 2 में आपका जो है यूनियन पार्लियामेंट मीन्स संसद ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर रिगार्डिंग एनहांसमेंट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, संसद के बारे में जो है बताया गया। संसद संसद की शक्ति, संसद की शक्ति और संसद का विशेषाधिकार, ठीक है, संसद का विशेषाधिकार, ठीक है। ये यहाँ पर जो है अलग अलग पॉइंट में दिया गया है, बट कुल मिला के बात इसका जो है कहने का मतलब यही है, संसद की शक्ति और संसद का विशेषाधिकार। अगला जो आपका है यूनिट 3, वह यूनियन एग्जीक्यूटिव द प्रेसिडेंट ऑफ हिज पावर एंड पोजीशन इंक्लूडिंग ऑर्डियंस मेकिंग पावर, मीन्स राष्ट्रपति की बात की गई है यहाँ पर, राष्ट्रपति के बारे में पूरा यूनिट है इसमें। और जो अगली आपकी जो यूनिट है यूनिट फोर आपका जो है वह प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद। और अगली यूनिट आपकी यूनिट 5 जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन या जो है संघ और राज्य के विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात करती, ठीक है, बंटवारे की बात करती है। अगली यूनिट आपका जो है यूनिट 6 आपका इमरजेंसी प्रिवेंस मीन्स जो है आपातकाल की बात करती है। आपातकाल में राष्ट्रपति का जो है कौन कौन से उसके पास शक्ति होती हैं उसके बारे में बात करती है, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, ठीक है। तो आपका कुल मिला के 6 यूनिट में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट जो है थर्ड से। यूनिट थर्ड जो हमारा है
वह राष्ट्रपति के बारे में जो बात करता है, मीन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव, मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति कहते हैं, इसके पावर और पोजीशन की बात करते हैं। और यह कैसे जो है पावर का जो है एक अप्रत्यक्ष हिस्सा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट 3 में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ये है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, वोटिंग द्वारा, निर्वाचन द्वारा, जनता द्वारा, या फिर ऐसे करके, तो वहाँ पर आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। वहाँ पर जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जो है राष्ट्रपति निर्वाचन द्वारा होता है, ठीक है, इसे डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, इसे निर्वाचन मंडल के सदस्य निर्वाचित करते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल क्या होता है, निर्वाचन मंडल में जो है क्या होता है, जैसे जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मीन लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आपका जो है राज्य विधानसभा है, वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उसके जो वोटिंग होती है, और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं जैसे दिल्ली, पांडुचेरी वगैरह जो हैं, वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसको जो है चूज करते हैं। ठीक है, ये लोग वोट डालकर जो है चुनाव का जो है करते हैं। ठीक है, अब अगला जो है चुनाव निर्वाचन मीन क्या होता है, निर्वाचन मीन ये होता है जिसे जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, उसका मतलब होता है निर्वाचन, जिसे जो है डायरेक्ट जनता चुनती है उसको आप निर्वाचन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे अभी रामनाथ कोविंद का चुनाव हुआ था, तो वह जो है ऐसा तो है नहीं आप उसको डायरेक्ट वोट देने गए थे, ऐसा नहीं है ना, आप यहाँ से आपके संसद का चुनाव होता है उसको आप चुनते हैं, वहाँ पर वो लोग जाकर राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन करते हैं, वहाँ पर वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, का पॉइंट जो है निर्वाचन सदस्य में राज्यों व सदस्यों के मध्य समानता होती है, जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं, ठीक है, अदर जो है प्रदेश में उससे कम सीटें हैं या फिर उससे ज़्यादा सीट हो सकती हैं, वर्सेस ज़्यादा सीटें नहीं वहाँ से कम सीटें, तो 80 सीटें ये जो हैं और यहाँ की उत्तर प्रदेश की आबादी जो होगी उसके जो है दोनों को रख कर उसका रेशियो निकाल कर जो है वहाँ पर मध्य समानता को स्थापित किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान भी होते हैं, मीन्स राष्ट्रपति जब चुनाव होता है, ठीक है, तो उसके जो है चुनाव में आप जो है एकल संक्रमणी मत भी कर सकते हैं और गुप्त मत भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने जो है किसी पार्टी को नहीं बताना चाह रहे कि हम किसको जो है वोट देंगे, मान लीजिए वहाँ पे कई लोग जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है खड़े होते हैं, तो वहाँ पर आप नहीं बताना चाहते हम किसको वोट देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप गुप्त मतदान भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका जो है पॉइंट राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले में, हाँ, जिसे आपका जिसे राष्ट्रपति से जो चुनाव हुआ उसके मामले में कोई जिसे दिक्कत आ गई या फिर वहाँ पर जो है डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जो यहीं पर आप बात की जाए कि जो पीएम जो है चुना जाता है, ठीक है, तो पीएम जो है यहाँ पर अगर जो पीएम को लेकर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर आप हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ का वो जो है संसद रहा होगा, जहाँ से वह सांसद होगा, तो उसके राज्य के जो है हाई कोर्ट में आप जाएंगे, लेकिन अगर जो राष्ट्रपति की बात की जाए तो वहाँ पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट राष्ट्रपति जब होगा तब कार्य माने जाएंगे, इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आप जो है आज से राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और 3 माह तक आप राष्ट्रपति बने, उसके बाद कोई दिक्कत की वजह से आपको जो है मान लीजिए आप राष्ट्रपति नहीं रह गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने 3 माह तक जो काम उसका किया होगा वो काम आपका निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, आप जब तक कार्य किए होंगे, तब तक का वह कार्य मान्य होगा, वह कार्य निरस्त नहीं होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब यहाँ पर यह था। अगला पॉइंट राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता, देखो तो राष्ट्रपति जो होता है उसके नाम से सारे काम होते हैं, लेकिन जो है वह नाम मात्र का भी होता है, क्योंकि अगर तो देखा जाए तो लिखित में हर जगह उसका नाम होगा, लेकिन वह जो अभी आप लोग देखते हैं अपने इंडिया में, अभी राष्ट्रपति से ज़्यादा जो है जो पावर जो है प्रधानमंत्री दिखाता है, हम लोग उसकी जो है ज़्यादा पावर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिखित में अगर जो देखा जाए तो राष्ट्रपति की पावर ज़्यादा है, लेकिन अगर जो ऐसे कार्यकारी में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की वहाँ पर जो है कार्यकारी पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है राष्ट्रपति
सभी राज्यों एवं यूटीज का समान प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति जो है हर एक राज्य में, जैसे मान लीजिए 28 राज्य हैं, ठीक है, तो 28 राज्य में अपना ये जो है राज्यपाल चुनेगा, ठीक है, और अपने जो यूटीज हैं, 8 यूटीज हैं, वहाँ पर या उपराज्यपाल या जो है चुनेगा, ठीक है, उपराज्यपाल का चुनाव होगा। समान प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे वो जो है ज़्यादा कर दे, कहीं पे कम कर दे, वह बराबर की हिस्सेदारी जो है करेगा केंद्र शासित प्रदेश में भी और राज्यों में भी, ठीक है। अगला पॉइंट आपका जो है, राष्ट्रपति चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द गलत है। यहाँ पर जिससे कहने का मतलब है, जैसे राष्ट्रपति जब चुनाव होता है तो कहते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व हुआ, तो वहाँ पे ये शब्द जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आपका कोई क्वेश्चन आया कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का या जो शब्द है यह सही है या गलत है या दोनों गलत हैं या सही नहीं है, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप अगला जो आपका जो ये है पॉइंट, अर्हताएं शपथ एवं शर्तें। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या शर्त लेनी जरूरी है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिग्री है, मीन्स आपको क्या जरूरत होगा कि आप राष्ट्रपति भारत का बन सकते हैं, ठीक है। तो नंबर एक पे आपको 35 वर्ष का होना चाहिए। आप अगर जो 35 वर्ष के होंगे तभी आप जो है राष्ट्रपति बन पाएंगे, अगर जो आप उससे कम होंगे तो आप राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। नंबर दूसरी बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक के बिना राष्ट्रपति कोई नहीं बन सकता। सोचो कि बाहर की नागरिकता लेकर आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो नहीं बन सकते, आपको भारत का ही नागरिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट कहने का मतलब है कि आपके पास जो लोकसभा निर्वाचन के लिए सदस्य की जो अर्हता होती है वो होने के लिए आप पूर्णता संपूर्ण करते हों, वो अर्हता मीन्स आप जो है लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष चाहिए, तो 25 वर्ष के आप हों तभी, मीन्स और भी लोकसभा के लिए बहुत सी ज़्यादा अर्हताएँ होती हैं तो वो आप पूर्ण करते हों। अगला पॉइंट ये, किसी लाभ पद पर ना हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब ना कर रहे हों, ना प्राइवेट जॉब कर रहे हों, ना आप कहीं पर मंत्री हों, ना कुछ हों, ठीक है, आप कोई भी लाभ पद पर ना हों तब आप जो है ये चुनाव में रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है कोई भी लाभ के पद पर ना हो। अगला पॉइंट, आपके मिनिमम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। आपका अगला पॉइंट, आपको चुनाव लड़ने से पहले 15,000 की जमानत राशि जो है RBI में जमा करना होगा, ठीक है, RBI बैंक में आपको 15,000 की जमानत राशि जमा करना होगा। अगर आपको 1/6 मीन्स आपको 60 में से 10 वोट मिल जाते हैं, ठीक है, तब तो आपको जो है ये 15,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अगर जो आपको इतने भी 1/6 वोट नहीं प्राप्त होते हैं तब तो आपका जो है 15,000 जो जमानत की राशि होती है ये जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। अगला आपका पॉइंट ये है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। हाँ, ये आपकी जो जब राष्ट्रपति आप बन जाते हैं तो आपको शपथ जो दिलाता है, शपथ आपको कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह आपको शपथ दिलाएगा और आपसे क्या वहाँ पे बोलना होगा, आपको ये बोलना होगा कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, ठीक है, ये आपको शपथ में बोलना होता है। और अगला जो आपका पॉइंट होता है कि भारत की जनता व कल्याण में निरत रहूंगा, ये आपके शपथ में वहाँ पर लिख के दिया जाता है, ये शपथ के लिए होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपको शपथ दिलाता है, अभी आपको बताएं। आपका जो है फ्री में राष्ट्रपति भवन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, उपलब्धियां मिलेंगी और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। 5.08 लाख रुपये आपका पर माह होगा वेतन, प्लस बिल आपको मिलेंगे। आपके विशेषाधिकार भी बहुत सारे होते हैं, विशेषाधिकार इसलिए दिए जाते हैं कि आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारी से उन्मुक्ति हो, ठीक है। अगला आपका पॉइंट ये रहेगा, व्यक्तिगत कृति से जो भी जेल ना देखें, आपका चाहे जब आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपको चाहे व्यक्तिगत कोई मुद्दा हो या फिर जो है पब्लिक के लिए कोई मुद्दा हो, आपके लिए जेल ना होगी ना तो सजा होगी, ठीक है। अगर जो कोई भी ऐसा मुद्दा हो रहा है जैसे आप पर अभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है, मीन आप
पर अगर जो अभियोग लगेगा तो 2 महीना पहले आपको सूचित किया जाएगा। अगला जो पॉइंट होगा, पदावधि 5 वर्ष या पदाग्रहण तक पूर्ण पुनः निर्वाचित। ठीक है, जैसे आपका जो आप 2014 में आप मान लीजिए राष्ट्रपति बने, तो आप 2019 तक राष्ट्रपति रहेंगे, 5 वर्ष आपका होता है। लेकिन जब तक आपका नया जो है राष्ट्रपति नहीं बन जाता है, आप तब तक जो है राष्ट्रपति जो है पद का जो है आप संभालेंगे। मान लीजिए आपका जो है देहांत हो जाता है, या फिर आप बीमार हो जाते हैं, या फिर कुछ भी रीजन की वजह से आप उस पद पर नहीं जा पा रहे, तो उपराष्ट्रपति जो होगा वह पद संभालेगा। ठीक है, और आगे यहाँ पर जो आपका जो है आप राष्ट्रपति चुनाव जो है 1 से अधिक बार भी लड़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे अमेरिका में देखा जाए, यूएस में, तो वहाँ पर केवल 2 बार से ज़्यादा आप राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप पर जो है 2-3 चीज़ों की वजह से आप जो है राष्ट्रपति पद का त्याग कर सकते हैं। नंबर 1, आप जो है त्याग पत्र दे दें। नंबर 2, आप पर महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट ये जो है, महाभियोग आप पर कब लगता है? महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में आता है, यह आप पर तब लगता है जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तब महाभियोग आप पर लगाया जाता है। किसी भी सदन से कैसे जो है इसकी जो कार्रवाई क्या होती है, वो यह होती है कि किसी भी सदन से 2/3 बहुमत से आपको जो है पारित करवाना होगा। पहले आपको राज्यसभा, फिर आपको लोकसभा, या फिर पहले आप लोकसभा फिर राज्यसभा से पारित करवाकर जो है आप पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने की एक शर्त और होती है कि 1/4 सदस्यों द्वारा यह लगाया जाए कि 1/4 सदस्य की बोल रहे कि इन पर महाभियोग लगाना है, उसके बाद 2/3 बहुमत से आपका जो है वो पास हो पाए। ठीक है, जो महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले आपको नोटिस भी देना अनिवार्य होगा। इसमें संसद के नामांकित सदस्य भाग ले सकते हैं, मीन्स जो आपके वोट में आपके राष्ट्रपति चुनाव के वोट में भाग नहीं लिए थे, वो भी इस जो है आपके महाभियोग पर जो है भाग ले सकते हैं। ठीक, दिल्ली एवं पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे, जो आपके वोट के लिए आए थे, आपके वोट जो है दिए थे आपके चुनाव के लिए, वहां पर वो वाले सदस्य अब भाग नहीं ले सकते। यहाँ पे दोनों उल्टा किया गया, जो सदस्य आपके चुनाव में भाग ले सकते थे वो सदस्य अब आपके चुनाव में, जैसे आपका महाभियोग लगाया जाएगा 2-3 बहुमत के लिए, तो आप वहां पर जो है आपके सदस्य पहले वाले बहुमत के लिए अपनी वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अगला ये जो है, इंडिया में ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ जो अभी महाभियोग से हटाया गया हो। अगला पॉइंट आपका ये रहेगा, अगर राष्ट्रपति पद किसी कारणवश रिक्त है तब उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव जो है करवा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। राष्ट्रपति की जो है कई सारी शक्तियां होती हैं, जैसे कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीति शक्ति, सैन्य शक्ति और भी वीटो शक्ति वगैरह। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला जो है कार्यकारी शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति में ये होगा भारत सरकार संबंधी सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। अभी आपको हमने बताया कि इसके जो ऑफिशियल काम मीन्स जो लिखित कार्य होते हैं वह जो है राष्ट्रपति के नाम होते हैं। ठीक है, नियम बनाने के लिए सरकार सहज नियम बना सकता है। ठीक है, अगर जो राष्ट्रपति चाहे तो अपनी सरकार चलाने के लिए जो है सहज नियम भी बना सकता है। अगला जो इसकी शक्ति होती है, पीएम एवं उसके मंत्री नियुक्त जो है यही करता है, राष्ट्रपति ही जो है प्रधानमंत्री और मंत्री नियुक्त करता है, महान्यायवादी नियुक्त करता है, महानियंत्रक व महापरीक्षा लेखक भी यही नियुक्त करता है। आपका यूपीएससी अध्यक्ष और उसके सदस्य को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राज्यपाल व वित्त अध्यक्ष के चेयरमैन व सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कोई भी चीज के लिए डाटा मांग सकता है, निर्णय मांग सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री से। और एससी एसटी जो आपकी जो जाति होती है उसके लिए अलग से यह कानून भी बना सकता है। ठीक है, मीन उसका आयोग नियुक्त कर सकता है और अंतरराज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है। और इसका एक शक्ति यह भी होती है, केंद्र शासित राज्यों का स्वयं प्रशासन संभालता है। ठीक है, अगला आपका जो शक्ति होगी वो विधायी शक्ति होगी। विधायी शक्ति में क्या होता है, जैसे आपका कोई संसद है,
आपका संसद में क्या है, संसद कैसे मिलकर बना है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यपाल मिलकर जो है संसद बनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है एक संसद का अंग होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला जो स्टार्ट करते हैं, संसद बुला सकता है, स्थगित कर सकता है। देखो आपका जो लोकसभा या राज्यसभा होती है उसे संसद में जो है एक साथ बुला सकता है या फिर एक साथ स्थगित कर सकता है या फिर उनको दोनों को एक साथ बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। या जो विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा को विघटित करने का मतलब जैसे आपका जो सत्र चल रहा है उसको विघटित कर सकता है लोकसभा को, ठीक है। राज्य संसद संयुक्त आह्वान कर सकता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसपे लोकसभा और राज्यसभा में कुछ विवाद हो जाता है, जिसके कारण जो है राष्ट्रपति जो है संसद को एक साथ बुला सकता है, ठीक है, संसद का संयुक्त आह्वान कर सकता है। कहने का मतलब यह है। अगला जो है वह संसद को सूचना मांग सकता है, मीन्स वह संसद से कोई विधायक है तो उसकी सूचना मांग सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को वह जो है नियुक्त जो है करने के लिए जो है उसकी जो डेट होती है उसको नियुक्त करता है। संसद के सदस्यों पर प्रश्न जो है उठा सकता है, मीन्स संसद के मान लीजिए कोई सदस्य हैं, ठीक है, तो उस पर कोई प्रश्न पूछ सकता है या उठा सकता है। ये जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हम आपके आपको बता रहे हैं, बिल विधेयक को नहीं, ठीक है। ये अगला जो आपका ये पॉइंट होगा संसद के सदस्यों पर प्रश्न, अगला पॉइंट भारत की संचित विधि में संबंधी विधेयक, भारत की जो संचित निधि है उसके जो है बारे में विधेयक को पारित कर सकता है, मीन्स उसके बारे में जो विधेयक है वह राष्ट्रपति खुद से बना सकता है। अगला जो है विधेयक, मान लीजिए आप कोई विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति लेना होता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को रोक सकता है या फिर उसको पास कर सकता है या फिर वीटो लगा सकता है या फिर जो है संशोधन के लिए वापस भेज सकता है। यह सब एक नॉर्मल जो है विधेयक में होता है, लेकिन वहीं पर अगर जो वित्त विधेयक की बात की जाए या विल विधेयक की बात की जाए तो वहां पर वह जो है उसको नहीं वापस कर सकता, ठीक है। अगला जो आपकी शक्ति है वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति में वह जो है राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति ही जो है केंद्रीय बजट जो आपका होता है जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है उसको संसद के समक्ष रखता है। तीसरा पॉइंट जो है अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं। मान लीजिए कि कोई भी राज्य जो है अनुदान मांग रहा है तो जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करता है तब तक संसद जो है किसी भी अनुदान को पारित नहीं कर सकता। चौथा जो है संचित निधि से खर्च, संचित निधि से जो भी खर्च होता है वह राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा कि यह निधि से जो है जाना चाहिए खर्च या नहीं जाना चाहिए, इस पे जो है वित्तीय शक्ति। आप लोगों का जो अगला पॉइंट है वह न्यायिक शक्ति पॉइंट है। न्यायिक शक्ति यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांग सकता है जो आपका राष्ट्रपति होगा। और अगली आपकी जो इसकी शक्ति है वह दंड से निलंबित है। इसका मतलब यह जब यह राष्ट्रपति होगा मीन्स या जब अपने कार्य पद पर होगा तब इससे दंड नहीं दिया जा सकता। वह इस पर जो है व्यक्तिगत वह जो है किसी अन्य तरह से इस पर दोष नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इससे जो है न्यायिक शक्ति में इच्छा में मृत्यु की जो है छूट मिलती है, या चाहे तो यह किसी की जो है अगर जो उसको सजा सुना दी गई तो उसकी सजा को कम करवा सकता है, या फिर इच्छा मृत्यु मीन्स अगर जो चाहे तो जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर जो वह अपनी इच्छा मृत्यु मांग रहा है राष्ट्रपति को पत्र लिख रहा है तो वह चाहे राष्ट्रपति तो उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे सकती है। यह जो है न्यायिक शक्ति के में आता है एक राष्ट्रपति के, ठीक है। अगली जो शक्ति है वह कूटनीति शक्तियाँ हैं, ठीक है। कूटनीति शक्ति में यह होता है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते इसके नाम पर होते हैं। जो भी आज तक समझौता हुआ होगा वह सारे समझौते जो है राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। उच्च युक्तों राजदूतों के भेजता व स्वागत करता, यह जो है विदेश में अपने राजदूत को भेजता है व जो विदेश से राजदूत आते हैं उसका स्वागत भी करता है, ठीक है। अगली जो शक्ति है वह सैन्य शक्ति है,
सैन्य शक्ति है। यह जल सेना, थल सेना, वायु सेना का प्रमुख होता है। यह आदेश दे सकता है, निलंबन कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको आदेश देने के लिए या निलंबन करने के लिए संसद का जो है परमिट चाहिए होता है, ठीक है। इसके पास आपातकाल शक्तियाँ होती हैं, जिसे ये इसके बारे में हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे, आपातकाल शक्तियों के बारे में। इसके पास वीटो शक्ति होती है जो आर्टिकल 111 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके पास जो कुछ इसके मुख्य आर्टिकल हैं वो आर्टिकल ये हैं। आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी कर सकता है, जब सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत या क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 161 जो होता है उसके अंतर्गत राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 52 यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 यह कहता है कि चुनाव होगा। आर्टिकल 55 किस तरीके से चुनाव होगा। आर्टिकल 56 कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 60 यह शपथ लेगा। आर्टिकल 61 इस पर महाभियोग लगाया जाएगा। आर्टिकल 72 यह क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 112 संघीय बजट पेश करेगा। आर्टिकल 123 अध्यादेश। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। यह जो है आपका यूनिट एक समाप्त होता है। आपका यूनिट 3 समाप्त होता है। इसके आगे चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 आपका प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद है, ठीक है। अब हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट रियल हेड, प्रधानमंत्री को हम रियल हेड भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है, सरकार का या प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। हमारे यहाँ जो संसद का चुनाव होता है उसमें से ही जो बहुमत दल का नेता होता है उसका जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है, या फिर वह दल के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है। यदि बहुमत नहीं है तब प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है वह अपने विवेक के अनुसार जो है किसको प्रधानमंत्री बनाना है या उसके विवेकाधीन पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। पॉइंट जो है कि भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वह कुछ शर्तों को पूरा करे। जैसे वह प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए और उसको जो दल का नेता मान लिया जाए, मीन्स जो वहाँ पर लोकसभा में ज़्यादा वोट पाए हुए दल का जो होता है उस दल वाले सभी लोग उस व्यक्ति को अपना नेता मान ले, तब वह प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपने शपथ में क्या बोलते हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति उसे तब तक नहीं हटा सकता जब तक वह त्यागपत्र ना दे, या फिर राष्ट्रपति जो है उसे बर्खास्त करेगा। मंत्री का जो है सिफारिश करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। मंत्रियों का मंत्रिमंडल जो है आवंटन करेगा। मंत्री पद के त्याग पत्र या बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को जो है सजेशन या कह सकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों पर कंट्रोल करता है। वह अपने पद से त्याग देकर मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, ठीक है। अगला आपका जो पॉइंट यहाँ पे होगा वह पॉइंट नंबर आपका पूरे मंत्रिमंडल को निरस्त कर सकता है। मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है जब प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र हो जाता है, ठीक है। उसका जो राष्ट्रपति के प्रति जो है रिलेशन होता है, वह राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री क्या काम करता है, वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की एक कड़ी होती है। जो राष्ट्रपति कोई भी बात होती है वह प्रधानमंत्री को बोलता है और प्रधानमंत्री वह अपने मंत्रिपरिषद से कार्य करवाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। आर्टिकल 76 में जो बोला गया है वह राष्ट्रपति परामर्श देना होता है, वह आर्टिकल 76 में बताया गया है। अगला यह कैग एजी यूपीएससी वित्त आयोग के चुनाव को लेकर जो है सदस्यों को रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को। अगला आपका पॉइंट जो है, यदि पीएम से लोअर हाउस मिनिस्टर निचले सदन का नेता है तो
वह प्रधानमंत्री को सत्रावाहन निरस्त की सलाह दे सकता है, मीन्स वह प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सत्रावाहन निरस्त करने की सलाह दे सकता है, लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है, वह सभा पटल पर सरकार की घोषणा कर सकता है, ठीक है, और उसकी जो अदर पावर होती है या फिर वर्क जो है वह नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि का अध्यक्ष होता है, विदेश नीति के मूर्ति के रूप में उसे कहा जाता है, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, देश का सबसे प्रमुख पदाधिकारी है, तारों के बीच चंद्र वाली संज्ञा उसको दिया गया है, यह संज्ञा जो है सर विलियम वर्नर हरकोर्ट ने दिया था, ठीक है। मुनरो ने क्या कहा था कि जो प्रधानमंत्री होता है वह राज्य की नौका का कप्तान होता है। रेमजो क्योर ने कहा था राज्य के जहाज का प्रधानमंत्री मल्लाह होता है, ठीक है। मंत्रियों को दी गई सलाह 42वें व 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति को बाध्य हो गई, ठीक है। मान लीजिए मंत्री जो आपको सलाह देंगे, मीन्स राष्ट्रपति को सलाह देंगे, वह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा, ठीक है ना, और यह जो है वाद योग्य नहीं होगा। अगला, राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है मंत्रिमंडल के लिए, ठीक है। तो अगला जो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ब्रिटेन में ऐसा कहावत है कि राजा कभी गलती नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर जो होगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है मंत्रिमंडल को, ठीक है। तो और आगे यहाँ पर जो पॉइंट होगा, राष्ट्रपति विश्वास खोए मंत्रिमंडल के लिए बाह्यकारी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई विश्वास खोया हुआ मंत्रिमंडल है तो उसके सलाह के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद ये है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री उसमें शामिल हो, ठीक है। इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल क्या होता है, कैबिनेट मंत्री उसमें केवल होते हैं, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, ठीक है। सरकार के साथ साथ एक ऐसा बैठक बोर्ड भी होता है, ठीक है, जिसमें सारे बड़े कार्य होते हैं, ठीक है। किचन कैबिनेट क्या होता है, अगर जो आपने इसका नाम सुना होगा, तो 5 से 6 सदस्य इसमें होते हैं, इसमें बहुत ही खास ही लोगों को बुलाया जाता है। संसद क्या होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा में क्या होता है, पूरे देश का जो वहाँ से पूरे देश के जो है सदस्य आते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में क्या होता है, संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व आते हैं, ठीक है। संसद की सदस्यता जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको भारतीय होना चाहिए, नंबर 2 शपथ लेना होगा, नंबर 3 राज्यसभा के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। निर्भरता क्या होती है इसके लिए, ठीक है, आप जो है दल बदल दल के ना हो, आप पर जो है दिवालिया ना घोषित हुआ हो, ठीक है। लोकसभा क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष चुनती है, लेकिन राष्ट्रपति इसके डेट का निर्धारण करती है। जो त्याग पत्र होता है वो अध्यक्ष को नहीं देता, लेकिन अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र होता है वह उपाध्यक्ष को देता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट यह है, संसद की भाषा हिंदी एंड इंग्लिश मातृभाषा दोनों होती हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट, महान्यायवादी मंत्री दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। इधर जो आपका पॉइंट है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, अमेरिका में संसद का को कांग्रेस कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, ये आपके पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। 238 सदस्य होते हैं प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। लोकसभा में 552 सदस्य अधिकतम होते हैं, वर्तमान में 545 सदस्य हैं। राज्यसभा स्थायी है, इसका विघटन नहीं होता है, यह 2/3 सदस्यों को दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त कर देता है। लोकसभा विघटित हो सकती है 5 वर्ष में एवं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, मीन्स लोकसभा में अगर जो भी कार्य होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपातकाल के में लोकसभा 1 वर्ष बढ़ाया, लेकिन आपातकाल समाप्त हो जाने के 6 महीना के अंदर अंदर उसको लोकसभा का चुनाव एक स्थानित करना होगा, मीन्स उसका फिर से जो है चुनाव करवाना होगा। अगला आपका जो पॉइंट है, लेमडक सत्र। लेमडक सत्र क्या होता है, वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र को लेमडक सत्र बोलते हैं।
प्रश्नकाल का होता है, संसद का पहला घंटा सदस्य प्रश्न पूछे, मंत्री उत्तर दें। प्रश्नकाल ऐसा होता है जिसमें संसद जो है, सदस्य जो है, अपने प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उनके उत्तर देते हैं। शून्यकाल ये होता है, बिना पहले सूचना के आप जो है कोई भी प्रश्न वहाँ पर पूछ सकते हैं। प्रक्रिया वहाँ जो भी होगी वह जो है कोर्ट में वाद योग्य नहीं होगी। अगला जो है वह विधेयक, दो टाइप के होते हैं, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, ये तो आप लोग जानते हैं। अगला जो आपका है आर्टिकल 112 वह संसद बजट को जो है प्रवेशित करता है। और अगला जो है संसद की शक्ति, यहाँ से आपका यूनिट दूसरी चालू हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो है दूसरी यूनिट चालू हुई, आपकी यूनिट यहाँ से ही दूसरी चालू हो गई थी संसद से, ठीक है। तो यहाँ से आपका, यहीं पर आपका जो है संसद की शक्तियाँ, संसद की जो है तीन चार टाइप की शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यकारी शक्ति, सर्वाधिक न्याय और न्यायिक शक्ति, निर्वाचन, अन्य शक्तियाँ, ठीक है। समितियाँ भी जो है छः टाइप की होती हैं, वित्तीय समितियाँ, विभागीय समितियाँ, जाँच, परीक्षक नियंत्रण, सदन के दैनिक, सदन नियमितिक, ठीक है। तो यहाँ पर और लेखा समिति में जो है लोक लेखा जो आपकी समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं और प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में कोई भी मंत्री उसका सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर लोक लेखा जो समिति में मंत्री हो सकते हैं। अध्यक्ष लोकसभा होता है, लोकसभा का अध्यक्ष उसका जो चीफ होता है। संघ सूची आपके जो आती हैं उसमें यह आपका जो है दूसरी यूनिट का पार्ट है। यहाँ तक आपका जो है एक पार्ट पूरा हो चुका है, मीन्स आपका दूसरी यूनिट का एक पार्ट पूरा हो चुका है। आधा पार्ट यहाँ पे पूरा हो गया, आधा पार्ट आपको हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम यूनिट नंबर 6 की हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 6 हमारा जो है आपातकालीन प्रावधान का है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान यहाँ पर आपको जो दिया गया है वह इमरजेंसी प्रोविजन विद स्पेशल रेफरेंसेस टू मेंशन टू एनर्जी एंड प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है, तो इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान या भाग 18 के 352 से 360 के बीच में आता है। यह असामान्य स्थिति अगर जो हो जाती है आपके जो है देश में उसके लिए जो है लगाया जाता है। यहाँ पर केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है, औपचारिक संशोधन बिना एकात्मक ढांचा हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपने यहाँ इस इंडिया में आपको जो है केंद्र सरकार का के पास भी शक्तियाँ हैं और राज्य सरकार के पास भी शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर जो आपातकाल लग जाता है तो यह राज्य सरकार से शक्तियाँ जाकर केंद्र सरकार में समाहित हो जाती हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 यह कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन कहता है या जो किसी राज्य में लगाया जा सकता है, इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, ठीक है। अगला जो है आर्टिकल 360 है, इसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं, इसको अधिरोपित आपातकाल कहते हैं, या अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। संसद के अनुमोदन के बाद आपातकाल अनंत बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन चाहिए होता है। अनुमोदन का मतलब यह होता है कि परमिशन चाहिए होता है संसद का, ठीक है। अगला जो है जो आपातकाल अगर जो लगाना होगा, ठीक है, तो वह मंत्रिमंडल की जो है सिफारिश पर लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला आपका जो है इसमें लोकसभा व राज्यसभा आगे बढ़ सकती है, मींस अगर जो आपातकाल लगा है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वह आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 362 क्या कहता है? आर्टिकल 19 निलंबन हो सकता है स्वयं, अगर जो आपातकाल लगा है वह आपातकाल लगा है, मान लीजिए बाहरी हमला हो गया है, तो आर्टिकल 362 कहता है कि आर्टिकल 19 स्वयं ही निलंबित हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 365 आपका कहता है राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करेगी, या ऐसा राज्य को जो है आदेश दिया जाएगा केंद्र के द्वारा कि जैसा केंद्र सरकार चाहेगी वैसा राज्य सरकार को काम करना होगा। आर्टिकल 365 यह कहता है यदि कोई राज्य शासन ना चला पाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ठीक है। आपका अगला जो ये है
वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। मान लीजिए आपके यहाँ वित्तीय आपातकाल लग गया है, तो वहां पर क्या होगा? राष्ट्रपति, कैग, एजी, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का जो वेतन होगा उस पर कोई भी कटौती नहीं होगी, उनका वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। राज्यों पर केंद्र नियंत्रण करेगा वित्तीय मामले में, मान लीजिए जीएसटी वगैरह के मामले में, या फिर और भी ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर जो है वित्तीय के देखभाल जो है राज्य करता है, वहाँ पर भी जो है केंद्र अपने अधिकार में वित्तीय मामले को ले लेगा राज्य के। ठीक है, अगला आपका जो यह है यूनिट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह जो है यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट है, यहाँ से आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक आप जो है यूनिट सिक्स की आप लोग बात करें, यहाँ तक यूनिट सिक्स की बात हुई, अब यूनिट फर्स्ट की हम बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट आपका क्या कहता है कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह सबसे लंबा संविधान है पूरे देश का, नहीं पूरे दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, इसमें मूल रूप से 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 सूची थे, लेकिन अब इसमें 470 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आपका जो ये है पॉइंट, वह संविधान का अधिकतम भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है नियमितता एवं अनियमितता, यहाँ पर देखा जाता है, मीन्स भारत का संविधान जो है लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में कहता है कि कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसमें आर्टिकल 368 में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है, जिनको सामान्य संशोधन बोलते हैं, और कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें 368 करने की जरूरत होती है। जैसे अभी कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 संशोधन करने की जरूरत थी। अगला आपका जो है पॉइंट, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाया, यहाँ पर जो है भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। विधायिका में न्यायाधीश के कामकाज पर चर्चा पर रोक है, मान लीजिए आपके संसद के अंदर कोई विधायिका चल रही है, तो विधायिका में आप न्यायाधीश के कामकाज पर चर्चा नहीं कर सकते, वहां पर आप नहीं बोल सकते कि न्यायाधीश को ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। ठीक है, अगला आपका पॉइंट जो है, सर्वप्रथम अमेरिका में प्रस्तावना सम्मिलित हुई थी। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका ने लागू किया था प्रस्तावना को, यहाँ आपका प्रस्तावना का पाठ चल रहा है। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना संशोधित हुई थी, तब उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, अगला आपको जो यहाँ पे पॉइंट है, AN पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट जो है वह संविधान के प्रस्तावना के बारे में है, उसमें यहाँ पे ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या क्या लिखा गया है। आपको हम बताते हैं, प्रस्तावना में नोटिस है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की आज़ादी की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने का दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 जनवरी 1949 को इंगित किया गया है। अगला पॉइंट, संविधान के अधिकार का स्रोत जनता में निहित है। भारत की प्रकृति या घोषणा करती है कि भारत एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राष्ट्र व्यवस्था वाला देश है। अगला आपका पॉइंट जो यहाँ पर है, वह संविधान का उद्देश्य यह है, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है, आपका अगला जो यहाँ पे पॉइंट है, कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है,
जैसे संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? संप्रभुता का अर्थ यह होता है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, ना ही किसी देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है समाजवादी। समाजवादी शब्द 42वें संशोधन में ऐड किया गया नीति निर्देशांक के रूप में है। लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी। ठीक है, अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष स्पष्ट उल्लेख नहीं है यहाँ जो संविधान में, स्पष्ट उल्लेख इसका नहीं है, यह 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में आप आर्टिकल 25 से 28 के बारे में पढ़ सकते हैं। यह आप जो यहाँ पे इतना देख रही है, पसीना गिरा हुआ है आप लोगों के लिए, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है और इतनी गर्मी में आप समझ सकते हैं। अगला यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित है। ठीक है, अगला जो है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब भारत का प्रमुख होगा, ना कि राजशाही होगा। ठीक है, ब्रिटेन में जो है राजशाही वाला हिसाब किताब वहाँ पे चलता है। न्याय का मतलब है सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक सुरक्षा मिले, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशांक के रूप में। ठीक है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं। समता। समता का मतलब ये होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के लिए उनके लिए अवसर प्रदान करने का उपबंध है। अगला जो है वह बंधुत्व। बंधुत्व मीन्स भाईचारे की भावना। प्रस्तावना संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, अगला आपका जो पार्ट है वह फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार हैं। यह भाग 3 के 12 से 35 आर्टिकल में दिया गया है। मूल अधिकार का जो है मेन राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ठीक है, यहाँ पर आपके 6 मूल अधिकार हैं। नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता, और ऐसे आगे हैं, आपको बताते हैं एक बार एक करके। तो समता का अधिकार में 5 जो है आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसमें यह कहता है कोई भी व्यक्ति होगा वह विधि के समक्ष समान होगा। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति को लेकर, राज्यपाल को लेकर यहाँ पर अपवाद आ जाएंगे। आर्टिकल 15 जो होगा वह यह कहता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 यह कहता है लोक नियोजन के लिए अवसर की समता या आरक्षण। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की अंत और आचरण निषिद्ध। ऑप्शन नंबर 18 या आर्टिकल 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर जो अदर जो उपाधि होते हैं उन पर आप रोक लगा सकते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी को पद्म भूषण मिला, तो ये नहीं बोलते हैं पद्म भूषण यो ये नाम लेके बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। और जैसे आप विद्या में PhD किए हुए हैं, तो आपका नाम PhD मतलब डॉक्टर लगाकर जो है आपका नाम, जैसे अभिषेक सिंह या फिर अदर भी ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो आपको सेना में और विद्या में छूट दी गई है कि अपनी डिग्री या उपाधि का जो है आप यूज कर सकते हैं, मीन्स नाम के पहले या नाम के बाद में लगा सकते हैं, लेकिन अदर जगह आप ऐसा नहीं कर सकते, मीन्स अदर क्षेत्र में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगला जो पॉइंट यहाँ पे है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, इसमें 6 अधिकार हैं। वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व वृत्ति की। 6 अधिकार में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीन्स आप किसी के बारे में जो है अभिव्यक्ति जो है जता सकते हैं कि यह ऐसा बंदा जो है गलत बोल रहा है, ऐसा सही बोल रहा, ऐसा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सम्मेलन, आप जो है कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, हथियारबंद सम्मेलन ना होना चाहिए, मीन्स आप वहाँ पर हथियार नहीं ले जा सकते। आप संघ, आप कोई एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, निवास मीन्स आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आप सीधे जाके पार्लियामेंट में ही जो है अपना डेरा डाल लें। ठीक है, अगला जो है आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, मीन्स आपके लिए जो अपराध होंगे उसके लिए दोष सिद्धि में संरक्षण होगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और आर्टिकल 21 ए जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है।
आर्टिकल 22 आपका जो होगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण होगा, ठीक है। अगला जो आपका जो है यहाँ पे पॉइंट होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार या आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत होता है, मीन्स बलात्श्रम का प्रतिरोध। आप किसी बच्चे से जो है श्रम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन से प्रतिषेध है, ठीक है। और आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आपको धर्म की स्वतंत्रता का जो है बोध कराते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 25 में यह है कि धर्म को मानना व पूजा पाठ करना की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आर्टिकल 26 यह है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 आपको धार्मिक कार्यों में जो राशि प्राप्त होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपस्थिति होने के बारे में है, ठीक है। आपका जो ये पॉइंट्स याद कर लेना, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि समता का अधिकार कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है, तो आप ऐसे जो वहाँ पे जो है सही करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगला आपका जो यहाँ पर स्टार्ट होता है वह संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृत की सुरक्षा करेगा। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थान स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल जो 31 था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है, ठीक है। अब यह जो है आर्टिकल 301 के काम में रख दिया गया है। जो 7 आपका जो है मूल अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32। इसमें आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेक्षण परमादेश अधिकार प्रशिक्षण परीक्षा जो है दिया जाता है। अगला आपका जो आर्टिकल होगा आर्टिकल 33 सुरक्षा एजेंसियों के जो काम वो करते हैं उस पर संसद प्रतिबंध लगा सकता है, या जो है विशेष अधिकारों में एक आता है। आर्टिकल 34 जो है वह फौज के क्रियान्वयन पर रोक राष्ट्रीय आपात से भिन्न है, मीन्स राष्ट्रीय आपात में जो रोक लगाई जाती है और जो आर्टिकल 34 कह रहा है वह जो है दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। फौज के क्रियान्वयन पर जो है रोक संसद नहीं लगा सकता, आर्टिकल 34 यह कहता है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में न्यायिक समीक्षा या मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला विधियां शून्य होगी, ठीक है। अगला आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि विदेशी लोग आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 को जो है विदेशी को नहीं दिया गया है। बचे हुए जो आपके आर्टिकल हैं मीन्स जो अधिकार हैं वह इंडियंस और विदेशी दोनों को दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शत्रु देश के लोगों को भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि विधि के समक्ष समता ब्रिटिश से लिया गया है, विधियों के समक्ष संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति कोर्ट में जवाबदेह नहीं होगा। पदाविधि के दौरान दंडित कार्रवाई चालू नहीं की जा सकती, उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता या उन्हें सजा नहीं की जा सकती, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा का एक शब्द है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह होता है कि शरीर को पेश करना कोर्ट के सामने, ठीक है, या रिट जारी करता है। रिट जारी करने में या आपके 5 नियम आते हैं आर्टिकल 32 में या अंतर्गत आएगा। हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर उत्प्रेक्षण का मतलब यह है प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है। मान लीजिए आपको कोर्ट ने रिट जारी कर दिया, बोला कि उत्प्रेक्षण किया जाए, मीन्स प्रमाणित होता है या सूचना देता है, ठीक है। और परमादेश में इसका अर्थ यह है कि हम आदेश देते हैं, कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध में यह होता है कि कोर्ट किसी चीज़ को रोकना चाहता है। अधिकार परीक्षा में यह होता है कि वारंट जारी कर देता है, कोर्ट आपके लिए वारंट जारी कर देगा। अगला आपका जो टॉपिक है वह राज्य के नीति निर्देशांक तत्व है, या भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 को लेकर है। इसमें आयरलैंड से इसको लिया गया है। B.R. अम्बेडकर ने विशेषता वाला इसको बताया है। ग्रेनविल ने जो है मूल आत्मा संविधान की बताया है राज्य के नीति निर्देशांक तत्व को।
ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, आप देख लीजिए आर्टिकल 36 में राज्य परिभाषा दी गई है, जो आर्टिकल 12 में भी है, सेम परिभाषा है। आर्टिकल 37 नीति निर्देशांक तत्व के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना है। आप यहाँ पर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है, आर्टिकल 39 गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है ये पूरा है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा और आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला हम पॉइंट आपको स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 51 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय शासित एवं सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है, आपका अगला जो पॉइंट होगा यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। निर्देशांक तत्व का न्याय से आदर्श स्वतंत्रता समानता बनाए रखना है, और दूसरा उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ना कि पुलिस राज्य, और तीसरा उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, निर्देशांक तत्वों के हनन पर कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, केंद्र या राज्य सरकार के लिए यह बाध्य नहीं होगा कि वह निर्देशांक तत्वों को माने, लेकिन आपके मूल अधिकार का अगर जो हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट जो है, निर्देशांक तत्वों को जो है तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर एक समाजवादी सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर दो यहाँ उदार बौद्धिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर तीन गांधीवादी सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको जो आर्टिकल दिए गए हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अगला जो आपका है पॉइंट वह आर्टिकल 51 का है, इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया है। स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में, ठीक है, या 2002 में फिर संशोधन होकर एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। अगला आपका जो पॉइंट है वह यहाँ से नई यूनिट स्टार्ट होती है आपकी, यहाँ से आपकी यूनिट 5 स्टार्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट एंड टेरिटोरियल ऑफ द टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यह आपकी जो है यूनिट नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे विधायी शक्तियों का बंटवारे की बात की गई है, तो विधायी शक्तियाँ आपको क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 245 क्या कहता है कि पार्लियामेंट पूरे देश में नियम बना सकता है, लेकिन विधानमंडल राज्य में नियम बनाएगी। ठीक है, आर्टिकल 246 क्या कहता है, यह अनुसूची को व्याख्या करता है। हमारे पास तीन टाइप की अनुसूचियां हैं, एक संघ अनुसूची, दूसरी राज्य अनुसूची, तीसरी समवर्ती अनुसूची। ठीक है, तो संघ अनुसूची में 100 विषय हैं, राज्य अनुसूची में 61 विषय हैं और समवर्ती अनुसूची में 52 विषय हैं। ठीक है, अगला आपका जो पॉइंट है आर्टिकल 247 यहाँ पर कहता है कि मान लीजिए आपको सूची में कोई राज्य सूची और संघ सूची में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं, ऐसा केंद्र को बोला गया है। आर्टिकल 248 क्या कहता है, आप विशिष्ट सूची के बारे में कहता है, जैसे आपका अनुसंधान हुआ, इसरो हुआ, DRDO हुआ, ठीक है, ऐसे साइबर टेक के लिए हुआ, तो वहाँ पे आर्टिकल 248 आएगा। अगला आपका जो है वह आर्टिकल 249 है, विदाउट इमरजेंसी, अगर जो केंद्र सरकार चाहे तो कोई इमरजेंसी ना हो तब भी वह राज्यसभा से 2/3 बहुमत से बिल पारित करवाकर 1 वर्ष के लिए जो है किसी भी राज्य पर जो है कानून बना सकती है वहाँ पर रोकने के लिए। जैसे अभी आपके यहाँ जो है सभी लोग जानते हैं किसान आंदोलन हुआ था, तो अगर जो केंद्र सरकार चाहती तो वह जो है दिल्ली के लिए विशेष कानून बना सकती थी। मान लीजिए वह अरविंद केजरीवाल को बोल देती कि आप 1 वर्ष के लिए, मीन्स आप किसी को यहाँ पर धरना देने का आदेश नहीं होगा, तो केंद्र सरकार जो है ऐसा बिल पारित कर देगी और राज्य सरकार को ऐसा मानना होगा। ठीक है, अगला आपका जो यहाँ पे पॉइंट होगा वह आर्टिकल 250 टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो है अगर जो आपके यहाँ लगी है तो उस पर संसद कानून बनाएगा। ठीक है, आर्टिकल 251 या कहता है 249 और 250 में मान लीजिए कोई कानून लग गया उसके असंगत, आप कोई भी जो है राज्य सरकार उसके असंगत कानून नहीं बना सकती। आर्टिकल 252 या कहता है दो राज्य एक साथ कानून बनाने की अगर जो मांग करेंगे तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 333
53 यह करता है, अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावित करने के लिए राज्य सूची में कानून बनाया जा सकता है। जैसे अभी आपके प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाकर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय करार कर आते हैं, ठीक है, और उनको कहीं राज्य में जगह या फिर अदर चीज़ें चाहिए, तो राज्य अगर जो मना कर दे तो उनकी करार तो निरस्त हो जाएगी, मीन्स उसका कोई असर नहीं रह जाएगा, तो वह जो है राज्य सूची में भी कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 254 यह कहता है, राज्य केंद्र शासन के विरोध में कानून नहीं बना सकता। ठीक है, कोई भी राज्य केंद्र शासन के विरोध में कानून बना ही नहीं सकता। कानून वह तब बना सकता है जब वह राष्ट्रपति को लिखित में पहले से ही अनुमति ले ले किसी कानून को लेकर, तब वह कानून बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 256 क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका तानाशाही नहीं चलेगी। मीन्स राज्य का जो व्यक्ति होगा, मीन्स राज्य का जो कर्मचारी होगा, वह संघ के कर्मचारी को तानाशाही नहीं करेगा, मीन्स उसके आदेश नहीं दे सकता। अगला आपका जो ऑप्शन आर्टिकल है, आर्टिकल 262 नदी विवाद को लेकर है। ठीक है, नदी विवाद हर एक राज्यों में ज़्यादातर होता रहता है। नदी विवाद प्राधिकरण ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं, इसके लिए एक कोर्ट डिसाइड होता है जिसमें वह 5 से 6 जजों की पैनल होती है, उसमें वह लोग केवल नदी विवाद का ही जो है काम देखते हैं। अगला जो है आर्टिकल 263 अंतर्राज्य की परिषद होता है इस, ठीक है, इसमें जो है हर राज्य के सीएम को 1 साल के अंदर 3 बार मीटिंग के बुलाया जाता है, दिल्ली में बुलाया जाता है और पीएम बुलाता है। ठीक है, केंद्र शासित के उपराज्यपाल भी बुलाया जाता है। ठीक है, अगला आपका जो पेज होगा, यह यूनिट 5 समाप्त हो चुकी है। अब हम यह यूनिट 2 का दूसरा पार्ट है, इसमें संसदीय विशेषाधिकार हैं, यह संसद के कार्य की स्वतंत्रता व प्रभाविता के लिए आवश्यक होते हैं। संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से जो है प्राप्त उनके पास अधिकार होते हैं, और इसमें व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त अधिकार होते हैं। ठीक है, सामूहिक विशेषाधिकार क्या होते हैं, जैसे अपने वाद या कार्रवाई को ना प्रकाशित करने का अधिकार है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों चाहे तो अपने कार्यवाही को कहीं पर भी प्रकाशित ना करें। अगला जो पॉइंट है, अपनी कार्रवाई के टाइम अतिथियों को बाहर कर सकते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि राज्य जो आप संसद होता है उसमें आप जो है वहाँ पर बैठ सकते हैं, वहाँ पर जो है आप टिकट लेकर वहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर संसद जब चाहे तो अपने अतिथियों को बाहर कर सकता है। ठीक है, अगला इसका जो अधिकार है वह अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु नियम भी बना सकता है, या अपनी कार्रवाई को जो नियमित संचालन करने के लिए एक कानून बना सकता है, या बाहरी लोगों सदस्यों को इसके विशेषाधिकार के हनन या अवमानना करने पर चेतावनी या कारावास या दोनों दंड दे सकता है। ठीक है, और मंत्रियों के लिए बर्खास्तगी या निष्कासन होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर जो है, इसे किसी सदस्य का बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मीन्स या किसी भी बंदी के लिए जो है वहाँ से किसी भी जेल से या फिर किसी के भी व्यक्ति के लिए जो है सूचना निकलवा सकता है। यह जांच कर सकती है गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर रिकॉर्ड के आदेश की। अगला जो पॉइंट है, न्यायालय इस सदनों की कार्रवाई निषेधित कर सकता है। मीन्स न्यायालय में जो है कोई नहीं जा सकता कि सदन में क्या कार्रवाई हुई है। ठीक है, यह सदन की कार्रवाई न्यायालय में वादी होगी नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है, सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता। मीन्स आपका जो सदन क्षेत्र होगा वहाँ पर जब तक वहाँ पर का जो अध्यक्ष होगा, मीन्स राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष होगा, उसकी जो है अधिकार होगा कि वहाँ पर कोई बंदी ना बनाया जाए, कानूनी कार्रवाई वहाँ पर किसी भी व्यक्ति पर नहीं होगी। और यहाँ पर जो विशेषाधिकार में व्यक्तिगत अधिकार आते हैं वहाँ पर यह है कि कोई भी संसद की कार्रवाई के 40 दिन पहले या 40 दिन के बाद वहाँ के नागरिक, वहाँ के जो संसद होंगे उस पर कार्रवाई नहीं होगा। यह अधिकार नागरिक मुकदमे पर उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। ठीक है, अगला जो इसका अधिकार होता है, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता। ठीक है, मान लीजिए आपका संसद में कोई जो है सांसद, मान लीजिए संसद में आपका कोई सांसद जो है वहाँ पे भाषण देता है, तो उसकी जो है भाषण को आप जो है कोर्ट में चेतावनी नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
अगला जो यहाँ पे पॉइंट है, वे न्याय निर्णय सेवन में से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र को किसी न्यायालय से लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। वो जो है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। विशेषाधिकार जो स्रोत हैं आर्टिकल 105 में दिया गया है, संवैधानिक उपबंध होते हैं, दोनों सदनों के नियम होंगे, सदन द्वारा निर्मित अनेक विधियां, संसदीय परंपरा, न्यायिक व्याख्या, ठीक है। संसद में विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक जो होंगे वह वे विधेयक होंगे जिसमें स्पेक्ट जो है वित्तीय विधेयक ना हो, मीन्स ऐसे विधेयक जिसमें वित्तीय विधेयक का ना हो, और सारे जो विधेयक होंगे वहाँ पर वे साधारण विधेयक ही कहलाएंगे। धर्म विधेयक जो है वित्तीय विषयों पर होते हैं। वित्तीय विधेयक वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं लेकिन धर्म विधेयक से भिन्न होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे जो है नियम बना सकते हैं साधारण विधेयक को लेकर। नंबर एक पे प्रथम पाठन होगा, कोई मंत्री या सदस्य उसको प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राजपत्र में प्रकाशित होगा वह विधेयक, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पाठन में विस्तृत समीक्षा होगी, उसका जो विस्तृत जो है समीक्षा होगी, ठीक है। साधारण बहस होगी, सीमित भी हो सकती है और विचार विमर्श भी हो सकता है। तृतीय पाठन में यह होगा कि विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार की चर्चा होगी, ठीक है। अब यहाँ लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो जाने पर यह पारित होगा, अब इसके सदन में जाएगा, अब यह राज्यसभा के सदन में जाएगा। संशोधन या सेम हो सकता है या फिर उसको पुनः विचार के लिए स्थगित किया जा सकता है। उसके बाद वह राष्ट्रपति के स्वीकृति पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकृत करता है या उस पर वीटो लगा देता है, ठीक है, या फिर उसको विचार विमर्श के लिए दोबारा भेजता है। अगला आपका जो विधेयक होगा वह धन विधेयक होगा। आर्टिकल 110 में धन विधेयक परिभाषित है। धन विधेयक में धन की बात की जाती हो, ठीक है। इस विधेयक में लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। राज्यसभा के पास जो है यह जाता तो जरूर है लेकिन राज्यसभा इसको निरस्त नहीं करती, राष्ट्रपति पारित ही करेगा। यहाँ पर आप धन विधेयक में राष्ट्रपति वीटो का यूज नहीं कर पाएगा लेकिन विचारार्थ के लिए जो है इसको जो है भेज सकता है। 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को इसके लिए स्वीकृति देनी ही होगी। अगला पॉइंट जो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक दो टाइप के होते हैं। एक यह आर्टिकल 117 में आता है, आर्टिकल 117(1), आर्टिकल 117(2). यहाँ आर्टिकल 117 में ये होता है कि सारे धन विधेयक जो है वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सारे वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्त विधेयक एक में क्या कहता है, यह संचित निधि को छोड़कर बाकी सारे विधेयक को वित्त विधेयक एक में रखा गया है और संचित निधि वाले जो है काम को मीन्स उसके विधेयक को वह जो है वित्त विधेयक दो में रखा गया है। अगर जो मान लो कि कोई भी विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, मीन्स एक सदन से स्वीकृत हो दूसरे सदन से अस्वीकृत हो, उसके लिए जो है एक साथ बैठक बुलाई जा सकती है। अगला आपका जो पॉइंट है वह साधारण संविधान संशोधन को लेकर। साधारण संविधान संशोधन में आप एक तिहाई बहुमत से उसको पारित करवा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा में। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होगी, राष्ट्रपति चाहे तो उस पर वीटो लगा सकता है या नहीं लगा सकता। इसके लिए आपको आर्टिकल 368 संशोधन की जरूरत नहीं होगी। अगला जो है वह जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होते हैं जैसे आर्टिकल 370, उसके लिए आपको 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना होगा। उसके लिए आपको उसके बाद राष्ट्रपति उस पर जो है अपना जो है अप्रूव्ड करेगा, उस पर राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है और नहीं भी लगा सकता है, ठीक है। मान लीजिए राष्ट्रपति वीटो नहीं लगाता है, उसके बाद वह वापस कर देता है विचार के लिए। उसके बाद संसद फिर जो है उसको राष्ट्रपति को भेजता है। अब राष्ट्रपति के पास बाध्यकारी होगा कि उस संविधान संशोधन या फिर अदर जो है विधेयक को उसको पारित करना होगा, ठीक है। आर्टिकल 368 में संशोधन किया जाएगा अगर जो आपका 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पेज पर। यह आपका यूनिट जो है
छः के छः यूनिट समाप्त हो गई। अब हम कुछ आर्टिकल को देखेंगे। आर्टिकल जो मूल अधिकार हैं वह भाग तीन में 1235 है। राज्य के नीति निर्देशांक भाग चार में 35 से 51 है। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा ऐसी बात करता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति निर्वाचन होगा मीन्स उसका चुनाव निर्वाचित तरीके से होगा। आर्टिकल 60 जो है राष्ट्रपति शपथ और महाभियोग। आर्टिकल 61 आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। आर्टिकल 72 में क्षमादान होगा राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति सहायता है तो मंत्री परिषद की जो है गठन करता है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी को दर्शाता है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति के लिए होते हैं। आर्टिकल 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। आर्टिकल 79 संसद गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा। आर्टिकल 81 लोकसभा। आर्टिकल 110 धन विधेयक। आर्टिकल 112 बजट। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट स्थापना। आर्टिकल 125 न्यायाधीश वेतन। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला आपका आर्टिकल 143 महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 161 क्षमादान राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा। आर्टिकल 234 हाई कोर्ट। आर्टिकल 243 पंचायतें नगरपालिका सहकारी समितियां। इसमें बहुत से आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्र। आर्टिकल 315 UPSC को दर्शाता है।